हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपको डेली लाइफ में जीन्स ज़्यादा पहनना पड़ता है या फिर आपको जीन्स पहनना काफ़ी पसंद है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5-6 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि जीन्स से रिलेटेड हैं। एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको चूड़ीदार जीन्स को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। एक टाइम था जब चूड़ीदार जीन्स काफ़ी ज़्यादा फैशन में थे, बट ये अभी बिल्कुल फैशन से बाहर हैं। तो उनकी जगह आप एंकल लेंथ, फिटेड एंकल लेंथ जीन्स को पहन सकती हैं, या फिर बिना चूड़ीदार वाले जो जीन्स होते हैं स्ट्रेट जीन्स, उन्हें ट्राई कर सकती हैं। ये इस समय काफ़ी ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं और आपको काफ़ी स्टाइलिस दिखा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका टॉप लूज़ है तो उसके साथ आपको स्लिम फिटेड जीन्स पहनना है, एंड अगर आपका जीन्स लूज़ है तो उसके साथ आपको स्लिम फिटेड टॉप्स पहनने हैं। इससे आपका जो जीन्स और टॉप का लुक है वो काफ़ी बैलेंस आएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक आपको मिलेगा और एक परफेक्ट जीन्स टॉप का लुक आपको मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको ज़्यादातर जीन्स पहनना पड़ता है तो उस हिसाब से आपके पास एक ब्लैक स्किनी फिटेड जीन्स ज़रूर होना चाहिए। इस जीन्स से आप काफ़ी सारे लुक क्रिएट कर सकती हैं। डेली आप एक नया लुक क्रिएट करके जा सकती हैं और ब्लैक जीन्स हर टाइप के टॉप पे चली जाएगी। अगर स्किनी फिटेड रहेगी तो आप इससे काफ़ी सारे लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो आपके पास एक ब्लैक स्किनी जीन्स ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप जब भी जीन्स खरीदने जाएं तो आप इस टाइप के जीन्स खरीदें जो कि प्लेन हो, सॉलिड कलर्स में हो, उन पे कोई भी वर्क ना हो किसी भी टाइप का। तो इन टाइप के जो जीन्स होते हैं ये हर टाइप के टॉप पे चले जाते हैं, किसी भी टाइप के कुर्ती पे ये आप इन्हें पहन सकती हैं और ये ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं होते हैं। तो इससे हुआ क्या कि आप कम जीन्स में काफ़ी सारे लुक क्रिएट कर सकती हैं, और अगर आपको डेली बेसिस पे जीन्स ही पहनना पड़ता है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रख सकती हैं। उसके बाद आपको जीन्स टॉप पहनते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जीन्स का जो टॉप है वो लॉन्ग है या फिर जो टी शर्ट है वो थोड़ा लॉन्ग है तो आपको उसे टक इन करके अपने जीन्स में पहनना है, और अगर आपका टॉप या फिर जो टी शर्ट है वो क्रॉप टॉप है तो उसे बिना टक इन के पहनना है। इससे आपका लुक काफ़ी स्टाइलिश आएगा और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रख सकती हैं। और आजकल हाई वेस्ट जीन्स काफ़ी ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं और ये उन गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जिनकी थोड़ी बैली फैट है। तो अगर आपकी बैली फैट है और आप उन्हें छुपाना चाहती हैं तो आप हाई वेस्ट जीन्स को ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपका बैली फैट बहुत कम दिखता है, या फिर अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप हाई वेस्ट जीन्स को ट्राई कर सकती हैं। और नॉर्मल गर्ल्स भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक देते हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकती हैं। और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी जीन्स पहने कोशिश करें कि आप उसके साथ वॉच ज़रूर पहने। आप ज़रूर कोशिश करें क्योंकि वॉच जीन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है और काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें वॉच पहनने की। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे होंगे। आपको ज़रूर अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इसे ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ट्रेंड एंड फैशन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन लुक गुड, गो ट्रेंडी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।